अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन्स। तो नंबर वन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी सो कि ये क्या है, इट्स अ नॉन इन्वेंसिव। नंबर वन क्या है, ये एक नॉन इन्वेंसिव मेथड है, ठीक है, टू ट्रीट द यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स बाय ट्रीटिंग शॉक वेव्स। जो हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जैसे लेजर की वजह से हो, तो ये भी वही है, बाय जनरेटिंग शॉक वेव आउटसाइड द बॉडी विच इज बींग फोकस्ड ऑन द स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद यह है, उसके बाद क्या है, जो स्टोन जो होते हैं उनको लोकलाइज किया जाता है। पहले वो लोकलाइज जो स्टोन किए जाते हैं, जब पता चले कि लोको ये स्टोन यहाँ पे है, तो वो किस चीज़ के साथ से किया जाता है, फ्लोरोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन्स दीज डेज। जो रेनल कैल्क्युला है उनके लिए जो है ना, मोस्ट कॉमन जो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है इन दिनों में वो कौन सा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। कौन सा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। बट इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर इन साइज आर सुटेबल। तो ये सुटेबल सिर्फ उन स्टोन के लिए है जो लेस देन आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हो। जो लेस देन आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हो, तो ये उनको ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर इसे बड़ा हो तो हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक हम दे देते हैं, इसमें प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक दे देते हैं किस चीज़ की वजह से, जैसे हम जो है ना इन्फेक्शन वगैरह को क्या करें, प्रिवेंट करें, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सिस्टिक स्टोन्स आर लेटली रेजिस्टेंट टू द ESWL, जो सिस्टिक हमारे सिस्टम में जो सिस्टम जो जो है ना सिस्टिक जो स्टोन होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो जो है ना रेजिस्टेंट है किसको, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सिस्टीन स्टोन्स विल नॉट बी ट्रीटेड बाय एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो जो सिस्टीन जो स्टोन है उनको हम इस मेथड से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ESWL में रिजल्ट इन, और जो कॉम्प्लिकेशन है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के, जो रिजल्ट करता है, रिजल्ट इन हेमाटोयूरिया, पेरेनकाइमल हेमरेज एंड इवन पेरीरेनल हेमाटोमा भी करवा सकता है। कौन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें नंबर वन हेमाटोयूरिया, नंबर टू पेरेनकाइमल हेमरेज, नंबर थ्री पेरीरेनल हेमाटोमा, ठीक है। उसके अलावा a collection of stone fragments in a ureter after extra corporeal shock wave lithotripsy for a significant renal stone is given in the germanic name, German name of strain stress street of the stones। तो street of the stones अगर कोई पूछे, या अगर strain stress पूछे, तो ये क्या होता है, जब extra corporeal shock wave lithotripsy हो जाता है, तो उसके बाद जो stones हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कहाँ, यूरेटर में आ जाते हैं, ठीक है, यूरेटर में आ जाते हैं, तो स्ट्रीट ऑफ स्टोन से अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि एक ओबेस पेशेंट हैं, ठीक है, तो उनमें हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्या है, वो पेशेंट जो ओबेस हैं, तो कंट्रा इंडिकेशन आर ओबेस पेशेंट, नंबर टू प्रेग्नेंट पेशेंट्स, एंड नंबर थ्री पेशेंट टेकिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स। अगर जो पेशेंट दे रहे हैं हम उसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं कि जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है वो किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, नंबर वन, नंबर टू नॉन इन्वेंसिव मेथड है, नंबर थ्री उन किडनी स्टोन को जिनकी जो साइज है वो 1.5 सेंटीमीटर से लेस हो या इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हो, इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर आर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको हम जो है ना ट्रीट करेंगे किससे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से। और जो 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 किडनी स्टोन है उसको हम लोकलाइज करते हैं, हमें पता चले किडनी कहाँ पे है, तो उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, फ्लोरोस्कोपी और हम उसमें अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, जिससे हम इन्फेक्शन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, स्ट्रेन स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेन स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रीट ऑफ स्टोन से जो जो है ना अपीयरेंस जो आती है, वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक विपोलिथोट्रिप्सी के बाद आती है यूरेटर में, जो किडनी जो स्टोन है ना, किडनी स्टोन के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल इंडिकेशन है, ये यूज नहीं कर सकते हम ओबेस पेशेंट में, प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, और पेशेंट टेकिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स, तो इनमें हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यूज नहीं कर सकते। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बाद अब हम करेंगे परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी। पहला क्या था, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, अब करेंगे परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी। तो परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी जो है ना, ये ज्यादातर यूज होता है टू ट्रीट द लार्जर किडनी स्टोन, टू ट्रीट द लार्जर किडनी स्टोन को यूज करने जो है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, लार्जर स्टोन को ट्रीट करने के लिए हम परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे जो स्टोन है वो कहाँ पे, रेनल पेल्विस में है, या रेनल पेल्विस आर्केलाइसिस, और सम टाइम जो है ना टू डील विद द स्टोन द प्रोक्सिमल यूरेटर, और कुछ वक्त जो है ना जो प्रोक्सिमल यूरेटर में भी आ जाते हैं, तो हम उनके उनसे भी डील करते हैं, ठीक है। तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रोमी अ ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड इनटू द रेनल कलेक्टिंग सिस्टम, एक ट्रैक्ट जो एस्टैब्लिश किया जाता है रेनल कलेक्टिंग सिस्टम में, किसके जरिए, बाय यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ सीरीज ऑफ डायलेटर इज यूज फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ द वर्किंग शीट इनटू द कलेक्टिंग सिस्टम थ्रू विद द स्टोन इज विजुअलाइज्ड, और उसके अलावा क्या, फिर स्टोन जो है ना जब विजुअलाइज हो जाता है एंड फ्रेगमेंटेड, और तोड़ा जाता है किसमें, फ्रेगमेंट्स में, यूजिंग अल्ट्रासाउंड लेजर और लिथोक्लास्ट के जरिए से, के जरिए के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एट द लास्ट क्या होता है, एक नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जो है ना वो किडनी के अंदर छोड़ा जाता है फॉर 24 to 48 आवर्स, ठीक है, एज वेल एज फॉर लार्जर स्टोन परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी इंडिकेटेड फॉर। उसके बाद क्या है, अब जो है एज वेल एज फॉर लार्जर स्टोन परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी इज इंडिकेटेड, और उसके अलावा लार्जर स्टोन को छोड़कर कौन कौन से रीजन है जहाँ पे हम परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज कर सकते हैं, तो क्या है, नंबर वन एन ऑब्स्ट्रक्शन एनाटोमिक एबनॉर्मलिटी सच एज पेल्विको यूरेटर जंक्शन, जो हमारा पेल्विक और यूरेटर के दरमियान जो जंक्शन आता है, ठीक है, पेल्विक यूरेटर जंक्शन, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज करेंगे। नंबर टू कैलाइसेल डायवर्टिकुला, जो है ना कैलाइसेल डायवर्टिकुला होगा तो भी हम क्या करेंगे, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज करेंगे। और यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन माइट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द स्टोन फ्रेगमेंट्स आफ्टर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो क्या यूरेट्रिक ऑप्शन जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक लिथोट्रिप्सी के बाद होता है, तो उसके लिए भी हम परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, ओबेस पेशेंट, वो पेशेंट जो ओबेस हैं, ठीक है, तो उनमें जिनमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक लिथोट्रिप्सी नहीं हो सकता, ठीक है, वो कंट्रा इंडिकेटेड है, तो हम क्या करेंगे, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज करेंगे। उसके अलावा लोअर कैलाइसल स्टोन्स, जो कैलाइसल लोअर कैलाइसल स्टोन्स हैं, दीज आर लाइकली टू पास आफ्टर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बाद, जो लोअर कैलाइसल स्टोन आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी। और उसके बाद क्या है, स्टोन कंपोजिशंस स्टेरॉइड स्टोन्स नीड टू बी कंप्लीटली रिमूव बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड इन्फेक्शन एज प्रीवियसली मेंशन, सम स्टोन्स विद अ वेरी हार्ड कंपोजिशन आर डिफिकल्ट टू फ्रेगमेंट यूजिंग एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेल लिथोट्रिप्सी इंक्लूडिंग कैल्शियम ऑक्सैलेट मोनोहाइड्रेट एंड सिस्टिक स्टोन। तो हमने ये भी देखा था कि जो सिस्टिक स्टोन थे वो हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेल लिथोट्रिप्सी में यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जो है ना क्या यूज करते हैं, परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी यूज करते हैं इन स्टोन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन रिलेटिंग परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रोमी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, नंबर वन जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें क्या है, इंजरी टू द स्प्लीन प्लूरा एंड कोलोन, तो परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रोमी की वजह से इंजरी हो सकती है स्प्लीन और प्लूरा और कोलोन में, नंबर वन। नंबर टू हेमरेज हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम यूजुअली रेनल पैनकाइमा बट आल्सो फ्रॉम मेजर रेनल वेसल्स।
तो क्या इफ द लेचर आकर्स द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इज एम्बोलाइजेशन बट इफ डज नॉट वर्क नेफ्रेक्टोमी वेरी इक्वेशनली हैज टू बी कंसीडर। ठीक है, उसके बाद क्या सेप्सिस वगैरह होता है तो उसमें जो है ना वो भी सेप्सिस जो है वो भी कॉम्प्लिकेशन है पर्क्यूलर नेफ्रोलेथोटोमी का। उसके अलावा एक्स्ट्रा वेस्केशन ड्यू टू रप्चर ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम रिटेंड स्टोन फ्रेगमेंट्स और ओपन सर्जरी टू द किडनी सम टाइम मोर कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर पर्क्यूटेनियस नेफ्रोलेथोटोमी। तो पर्क्यूलर नेफ्रोलेथोटोमी के बाद सम टाइम जो ओपन स्टोन सर्जरी जो होते हैं, जो ओपन सर्जरी है वो भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसके बाद क्या है, यूरेट्रोस्कोपी। तो यूरेट्रोस्कोपी भी एक मेथड है जिससे हम कि जो है ना किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। सो यूरिनरी एसेबिलिटी एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन मैनिपुलेशन यूरेट्रोस्कोपी का क्लासिफाइड रिज्ड सेमी रिज्ड और फ्लेक्सिबल। तो उसके टाइप कौन से हैं, क्लासिफाइड रिज्ड है, सेमी रिज्ड है और फ्लेक्सिबल है। ज्यादातर ये यूज होता है वो किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए जो लेस देन 6 मिलीमीटर। सो किडनी स्टोन दैट आर लेस देन 6 मिलीमीटर विल बी ट्रीटेड बाय यूरेट्रोस्कोपी। और उसके अलावा यू डायरेक्टली टू विजुअलाइज द यूरेट्रिक कैलक्यूलाई। और ये सेमी रिज यूरेट्रोस्कोप जो है ना, जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू विजुअलाइज द यूरेट्रिक कैलक्यूलाई। ठीक है, तो यूरेट्रोस्कोपी भी हम यूज कर सकते हैं।